नमस्कार भवप्रिया, आज है 1 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब ऐसे रोकी जाएगी बिजली की चोरी। बिहार में पर्यटन विभाग जल्द ही शुरू करेगी टैक्सी सेवा। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच हेल्थ वर्कर्स को मिला तोहफा। फिर से बड़ी संख्या में मजदूरों का हुआ पलायन। आज से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज देश भर में मनाया जा रहा है मजदूर दिवस। 1 मई 1886 को अमेरिका में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए थे और अब वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगे थे। इस तरह के आंदोलन का कारण था काम के घंटे, क्योंकि मजदूरों से दिन के 15-15 घंटे काम लिया जाता था। आंदोलन के बीच में मजदूरों पर और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई थी और कई मजदूरों की जान चली गई थी। वहीं 100 से ज्यादा श्रमिक को चोट भी आई थी। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही हर साल 1 मई को छुट्टी देने का भी फैसला लिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कमाल अहमद रिजवी की। सैयद कमाल अहमद रिजवी एक पाकिस्तानी टेलीविजन अभिनेता और नाटककार थे। उनका जन्म बिहार ब्रिटिश भारत में हुआ था और उनकी जान कराची पाकिस्तान में गई थी। रिजवी ने कॉमेडी सीरीज अलफ में लिखा और अभिनय किया है और 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी जीता है। कमाल अहमद रिजवी और उनका परिवार 1947 के बाद बिहार ब्रिटिश भारत से कराची पाकिस्तान चले गए थे। कराची में अपने शुरुआती दिनों के दौरान ही वो रहते थे। आरामबाग क्षेत्र में एक अपार्टमेंट अपनी मूर्ति से मिलने के लिए लाहौर जाने से पहले प्रसिद्ध लघु कथाकार सआदत हसन मंटो, जिनके साथ उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में लाहौर में बहुत कीमती समय बिताया था और उनसे प्रभावित भी थे। रिजवी आमतौर पर प्रगतिशील लेखक आंदोलन के लोगों से प्रभावित थे, जिनसे वो लाहौर और कराची में जुड़े थे। बिहार में अब ऐसे रोकी जाएगी बिजली की चोरी। बिहार में बिजली की चोरी एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही बिहार का बिजली विभाग रणनीति बना रहा है। इसके तहत ही कंपनी ने सभी सर्किल स्तर पर एसटीएफ का गठन करने का निर्णय लिया है। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में गठित होने वाले इस धावा बल में पर्याप्त संख्या में कर्मी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे, ताकि बिजली चोरी पर लगाम लगाया जा सके। आकलन के अनुसार बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17,581 करोड़ की बिजली की खरीदारी की। बिजली कंपनी के मुताबिक उपभोक्ताओं की संख्या 1,70,00,000 तक पहुंच गई। ऐसे में बिजली चोरी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी ने सर्किल स्तर पर एसटीएफ का गठन करने का निर्णय लिया है। आज से नियमों में हो सकता है बदलाव। नए महीने के साथ ही नए नए नियम कानून भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में 1 मई से भी नए नियम लागू होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस महीने की शुरुआत से ही आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। अगला बदलाव आपके रसोई में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। अगला नियम बैंकों में छुट्टियों को लेकर है। 1 मई से क्रिप्टो करेंसी पर लागू भी नया नियम होने की उम्मीद है। साथ ही घर खरीदारों को भी आज से झटका लग सकता है, टैक्स में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही 1 मई से थाईलैंड जाने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कोविड जांच की जरूरत को हटाने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय रेलवे की तरफ से भी साझा की गई जानकारी के अनुसार 1 मई से मेमू ट्रेनों को एक्सप्रेसवे में बदला जा सकता है, जिसके कारण अब इन्हीं ट्रेनों का 3 गुना किराया चुकाना होगा। कक्षा 1 से 3 तक नए रूप में होगा रिपोर्ट कार्ड जारी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए अब नए डिजाइन में प्रगति रिपोर्ट यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी होने वाली है, जो कि इसी सत्र से लागू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसे अब पूरी तरीके से रंगीन बनाने की योजना है। साथ ही ये 6 पन्नों का होगा। 6 पृष्ठ के प्रगति पत्रक के पहले पृष्ठ पर बच्चे का नाम, रोल नंबर, जन्म तारीख, रक्त समूह, वजन, मनपसंद खेल, भोजन, रंग आदि को बच्चों द्वारा भरा जाएगा। ये प्रगति पत्रक साल में 4 बार तैयार किया जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि हर महीने बच्चों में क्या प्रगति हुई है। 4 सत्र में पहला सत्र अप्रैल से जून तक होगा, दूसरा सत्र जुलाई से सितंबर, तीसरा सत्र अक्टूबर से दिसंबर और चौथा सत्र जनवरी से मार्च तक रहेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद NCERT द्वारा ये प्रगति पत्रक तैयार किया गया है। बिहार के बच्चे अब ज्यादा स्वस्थ। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में बिहार के बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि जीवन रक्षक टीका न्यूमोकोकोल
कंज्यूगेट वैक्सीन के कारण प्रदेश के शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाले निमोनिया और मेनिनजाइटिस जैसे बीमारी के खिलाफ पीसीवी का एक मजबूत बचाव है। सर्च विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2000 में उच्च आय वाले देश में सभी बच्चों के लिए ये उपलब्ध हो गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने निकाली रिक्तियां। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वेल्डर के कुल मिलाकर 75 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आईटीआई पास और 2 साल के कार्य अनुभव के साथ बॉयलर वेल्डर सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bhel.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में पर्यटन विभाग जल्द ही शुरू करेगी टैक्सी सेवा। बिहार में पर्यटन विभाग अब जल्द ही टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि बिहार में पर्यटकों के आने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में पर्यटकों को अब सभी पर्यटन स्थलों पर छोटी गाड़ियां मिल सके, इसको लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इन गाड़ियों का परिचालन लोकल पर्यटन स्थलों पर होगा और इसमें सिर्फ पर्यटकों को जगह मिलेगी, ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में आने वाले पर्यटकों की दिलचस्पी कम नहीं हो रही है। देश के लोगों कौन कहे, विदेशी पर्यटक को भी बिहार बहुत भा रहा है। IIT पटना 50 हाई स्कूलों में बनाएगा भौतिकी और रसायन शास्त्र। IIT पटना बिहार के अब 50 स्कूलों में भौतिकी और रसायन की मॉडल लैब स्थापित करेगा। पहले चरण में पटना के 7 स्कूलों में ये लैब स्थापित होगी। लैब मई से सितंबर के बीच बनेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में नया सचिवालय स्थित मदन मोहन झा स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह और BEP के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने MOU पर साइन कर दिया है। इस दौरान ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि साइंस लैब स्थापित होने के बाद इसकी प्रयोगात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से आग्रह किया है कि वो ईमानदारी से लैब संचालित करें, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक समझ विकसित हो। अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से शुभ। बिहार में तपती गर्मी से आम लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 48 घंटे धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा को छोड़कर राज्य के अन्य 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। 1 मई को 31 जिलों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आंधी पानी के बाद राज्य भर के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार है। बिहार के बांधों को मजबूत करने की शुरू हुई तैयारी। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए अब राज्य में कमला बलान की तर्ज पर अन्य नदियों के बांधों को मजबूत करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में साल 2020 में पहली बार कमला नदी के तटबंध पर स्टील शीट पाइलिंग तकनीक का उपयोग किया गया। इसका अच्छा परिणाम दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्टील शीट पाइलिंग के स्थान पर तटबंध काफी मजबूत है, इससे बाढ़ के दौरान सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ी है। इसके फायदे को देखते हुए अब गोपालगंज बाढ़ क्षेत्र में गंडक नदी के तटबंध पर संवेदनशील स्थानों पर आयरन शीट पाइलिंग का काम करवाया जा रहा है। वहीं अन्य मुख्य नदियों के तटबंध को भी इसी तकनीक से मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ के दौरान कई बांध टूट चुके हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच हेल्थ वर्कर्स को मिला तोहफा। बिहार में कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच में राज्य सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को तोहफा देने का काम किया है, जिसके तहत ही बीते दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक संविदागत कर्मियों का EPF मिलने की बात कही गई है। यानी कि अब जिनका मानदेय 15,000 से अधिक है, ऐसे कर्मियों को EPF योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 12,000 कर्मियों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही अब राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी तैनात होंगे। इसके लिए 702 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार के स्तर पर इसकी सहमति दे दी गई है। बिहार में कई घंटे काटी जा रही है बिजली। बिहार में बिजली संकट गहराते ही जा रहा है। NTPC में कोयले का असर अब बिहार में दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बिजली कटौती की जा रही है। यही वजह है कि बिहार में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। लोग भी लाइट कटने से परेशान है। हालांकि बिजली परेशानी को कोयला संकट बताया जा रहा है। देश में कोयले की संकट बढ़ने लगी है, जिसका नतीजा है कि बिजली थर्मल पावर अपेक्षा के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहा है। बता दें कि पिछले साल भी देश के कई राज्यों को बिजली संकट से जूझना पड़ा था। पटना में शिमला के मॉल रोड की तर्ज पर बनेगा गौरव पथ।
पटना में शिमला के मॉल रोड के और गैंगटॉक के एमजी रोड के तर्ज पर बिहार की राजधानी पटना में ही गौरव पथ का विकास होने वाला है। इसके निर्माण कार्य को लेकर कार्य योजना पर काम करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर बीते दिन विभागीय सभागार में बुडको द्वारा पटना शहर में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने पटना नगर निगम के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी मैनहोल के ढक्कन हर हाल में 15 दिनों के अंदर दुरुस्त करने का सख्त निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके चलते किसी हाल में आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने बताया है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 अंचलों में जल जमाव से निजात के लिए 133.56 करोड़ रुपए की प्रकलित राशि में 114 योजनाएं तैयार की गई हैं। नामे खुलने वाली 8 ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी पटना से खुलने वाली ट्रेनों के समय में काफी बदलाव हुआ है। रेलवे द्वारा नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। ऐसे में यात्री सफर पर निकलने से पहले अपने ट्रेन की पूरी और सही जानकारी जुटा ले। रेलवे के स्तर पर ट्रेनों के समय में 10 मई से बदलाव किया गया है। रेलवे से जारी अधिसूचना के मुताबिक दानापुर से ट्रेन नंबर 13234 दानापुर राजगीर एक्सप्रेस सुबह 7 बजे की जगह सुबह 6:50 पर खुलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 13234 समेत अन्य ट्रेनों के परिचालन के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। फिर से बड़ी संख्या में मजदूरों का हुआ पलायन। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही बिहार से बाहर गए प्रवासी मजदूर पटना लौट आए थे, लेकिन अपने कार्यस्थल पर दोबारा अब जाने लगे हैं। मनरेगा के अधिकारियों के अनुसार पटना जिले में 92,899 मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया गया है। इसमें 12,976 मजदूर ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में चल रहे मिट्टी कार्य में कार्यरत हैं। पिछले साल यहां पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या 30,000 से अधिक थी, लेकिन जैसे ही कोरोना काल समाप्त होने के बाद अन्य प्रदेशों में कारखाने या संस्थान खुले तो मजदूरों का भी पलायन हो गया। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनका यहां पर उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक आ पहुंचे। कहा जाता है कि मां गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया और महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया। तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। यहाँ पर लंबे समय से महाकवि के नाम पर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता रहा है। जदयू अपने 25 पद धारकों के खिलाफ करेगा कार्रवाई। जनता दल यूनाइटेड अपने 2 दर्जन पद धारकों को पदमुक्त करने जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 1-2 दिनों के भीतर जदयू के स्तर पर विरोधी काम करने वाले पद धारकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हो सकता है। जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन सीटों पर ही पार्टी ने अपने ध्यान को केंद्रित किया है जहां से जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इन सीटों के आकलन के क्रम में ये बात सामने आई है कि ऐसे लोगों की संख्या समेकित रूप से 25 के करीब है जिन्होंने जदयू प्रत्याशी के खिलाफ अपने को पूरे चुनाव के दौरान सक्रिय रखा था, जिसका असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला था। बिहार के किसानों को नहीं भाया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शोध। पराली प्रबंधन के लिए ICAR का शोध राज्य के किसानों को नहीं भाया। शोध से बने बायो डिकम्पोजर के माध्यम से पराली को गलाकर खाद बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, लेकिन राज्य में धान की फसल देर से कटती है और अगर उसके बाद 15 दिन तक इंतजार किया गया तो अगली फसल लेट हो जाएगी। राज्य सरकार के जलवायु अनुकूल खेती योजना में भी 2 फसलों के बीच इतना समय नहीं होता है, लिहाजा बिहार के किसान इस प्रयोग को अपनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। पराली प्रबंधन के विकास आयुक्त के नेतृत्व में बनी कमेटी ने ICAR के दावे को आजमाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 3,000 एकड़ में इसका प्रयोग किया। इथेनॉल प्लांट में देरी होने के पीछे नीतीश कुमार ने UPA को ठहराया जिम्मेदार। शनिवार का दिन बिहार के लिए बेहद ही लाभकारी रहा, क्योंकि बीते दिन ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने देश के प्रथम ग्रीन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया जिले के गणेशपुर में किया। वहीं इसके उद्घाटन के साथ ही इसमें देरी की वजह बताई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए सन 2007 में से ही प्रयासरत थी। राज्य सरकार ने संदर्भ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा था, केंद्र की तत्कालीन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। इधर सन 2019 में वर्तमान केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर प्रदेश में इथेनॉल प्लांट लगने शुरू हो गए। तेजस्वी ने बुलाई विधायकों और नेताओं की बैठक।
बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसदों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में पार्टी की तरफ से बिहार में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। ऐसे में बीते दिन की बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर ही बुलाया गया था। संभावना जताई जा रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आने के बाद बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत ने सन 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत की और इसको चेन्नई में किया। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। महाराष्ट्र को 1960 में राज्य घोषित किया गया था। देश की कोयला खदानों पर 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म 1988 में हुआ। भारतीय पार्श्व गायक मन्ना डे का जन्म 1919 में हुआ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और केरल और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू का जन्म 1910 को हुआ। स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद चाकी का निधन 1888 में हुआ। आज के दिन को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप को मिल रहा है क्विक रिएक्शन फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने मंच पर इमोजी रिएक्शन के आने की घोषणा की है, जो यूजर को अपने रिएक्शंस को साझा करने की अनुमति देता है। अब मैसेजिंग सेवा कथित तौर पर एक क्विक रिएक्शन फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर को व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट देखने के दौरान इमोजी भेजने की सुविधा देती है। ये फीचर अन्य मेटा स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर पहले से ही उपलब्ध है। कहा जाता है कि रिएक्शंस का चुनाव 8 इमोटिकॉन्स सीमित है। हालांकि व्हाट्सएप ने अभी तक आधिकारिक रूप से क्विक रिएक्शन फीचर के विकास की पुष्टि नहीं की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,500 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,450 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। रोहित के जन्मदिन पर मुंबई ने दर्ज की अपनी पहली जीत। आईपीएल के 15वें सीजन में लगातार 8 मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस को राजस्थान के खिलाफ आखिरकार बीते दिन जीत मिल गई। सबसे खास बात यह है कि बीते दिन मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा का जन्मदिन भी था और बर्थडे बॉय रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर के अर्धशतक के दम पर 158 रन बनाए। 159 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान किशन ने 26 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक जोड़ा। सूर्य कुमार यादव 51 रन बनाकर आउट हुए। 2 गेंद बाद तिलक वर्मा 35 रन बनाकर चलते बने और किरण पोलार्ड 10 रन बनाकर आउट हुए। टिम डेविड 20 रन और सैम 6 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसके बाद आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम ने जीत दर्ज की है। पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया उनके नाम है गौतम कुमार, कृष्ण कुमार यादव, सलीम भाई, नुनू कुमार, विकास बिहारी, राम कुमार साहू, उजाला चौधरी, राजीव कुमार, रमाकांत कुमार, राज पासवान, रोहित कुमार, प्रहलाद कुमार, मनीता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।